आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पेपर हल करेंगे कंपलसरी इंग्लिश का, बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर यानी कंपलसरी जो इंग्लिश है या जनरल इंग्लिश है, उसका पेपर हम हल करके देखेंगे। वैसे आपके 3 घंटे का पेपर होता है, यानी 100 नंबर का होता है, 36 नंबर इसमें लाने होते हैं। 36 नंबर जो ले आता है वो उत्तीर्ण माना जाता है। 36 से कम लाने वाले विद्यार्थियों के लिए ये पेपर, इस पेपर में फेल हो जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को पहले ही प्रयास में इसको पास कर लेना है, नहीं तो फिर आगे आपके समस्याएं हो जाएगी। इसलिए इस पेपर को पास करने के लिए यदि ये पेपर आप पूरा अटेंड करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत कुछ हल करने के तरीका आ जाएगा कि इस पेपर को हम हल कैसे करते हैं। इस पेपर को जब हम हल करेंगे तो कम से कम हमारे जो 36 नंबर तो आ ही जाने चाहिए, 36 से ज्यादा भी आ जाएंगे। तो आप इसे मेरे साथ बने रहें। इसी प्रकार के मॉडल पेपर जो है अन्य विषयों के भी अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप देखते रहें और आपको कैसा लगता है मुझे भी बताया करें, ताकि मेरा भी हौसला आगे बढ़ता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो बनने पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए पहला प्रश्न है आपके टेंस से संबंधित। आप जानते हैं टेंस से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, यानी जैसे मान लो अभी क्या है कि पहले तो आपके डिस्क्रिप्टिव होता था पेपर, और अब जो है 2-3 वर्षों से 2021-22 से जो है इसको एमसीक्यू वाला कर दिया है, और लगभग निश्चित में यही पूछा जाता है। तो यदि आपके पेपर चाहे मल्टीपल चॉइस वाला है चाहे आपके डिस्क्रिप्टिव है, दोनों में ही आपके लिए इसमें सहायता जरूर मिलेगी। आप इसको जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्रामर तो आपकी बदलनी नहीं है, तो ग्रामर में तो आपके वही चीज रहनी है। तो आप देखें, और भी जैसे अन्य जो एग्जाम्स है उनके लिए भी ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप पूरे मनोयोग से देखें। तो टेंस से संबंधित प्रश्न आते हैं, 5 और 5 नंबर के सवाल होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ही आउट फॉर ए वॉक एवरी डे। अब एवरी डे जहां पर आ जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप जानते हैं ही है, तो यानी जैसे गो आएगा नहीं, गोज आए, गोइंग आएगा नहीं, वेंट आएगा नहीं, तो सीधा का सीधा गोज पड़ा है, तो इसमें गोज हो जाएगा। गोज इसलिए होगा क्योंकि कर्ता एकवचन है, इसलिए मुख्य क्रिया के साथ में एस या एस जुड़ेगा। इससे पहले अपने जो टेंसेज पूरे हैं वो आपको करवाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है द बॉयज फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड नाउ। प्लेग्राउंड नाउ, नाउ जहां पर आया है, अभी खेल रहे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड नाउ, तो इसमें 1 नंबर हो जाएगा। नाउ आया हुआ है तो इसका मतलब कंटिन्यूस आपको भरना है। सरला हैज, सरला हर वर्क फॉर 2 आवर्स ऑलरेडी। 2 आवर्स ऑलरेडी नाम आ गया, यानी आपको प्रेजेंट परफेक्ट हैज या हैव में से बनना है। हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज या हैव में जैसे इनको अपना आप ही हेड रही है, सारे के सारे हो गए कट, और हैज डन हो गया इसमें। सरला हैज डन हर वर्क फॉर 2 आवर्स ऑलरेडी, तो इसमें डन हो जाएगा, हैज डन क्या हो जाएगा, हैज डन हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, अगर इस प्रकार का होता है तो लगभग में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस आता है। क्या आता है, यानी सारी ग्रामर जो है वो नियमों से जुड़ी हुई है, कोई अपवाद रूप एकाद होता है, बाकी 90% जो है वो पेपर आपके नियमों से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जैसे पास्ट डेफिनिट है तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूस कर दो, वाज स्लीपिंग हो जाएगा। देखिए यहां पर बाकी पास्ट कंटिन्यूस का कोई नहीं है, ही वाज स्लीपिंग हो जाएगा, इसमें वाज स्लीपिंग हो जाएगा। जैसे अब देखिए इसमें आता है एक, इफ यू हार्ड यू ए फास्ट, इफ वाला वाक्य जो मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है या विल या सेल आता है, विल या सेल आता है, दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। पहले वाक्य में वुड आता है तो दूसरे वाक्य में डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पहले वाक्य में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो दूसरा वाक्य हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें देखिए, इफ यू हार्ड यू ए फर्स्ट, तो इसमें जैसे इनमें से कोई है नहीं, अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इफ यू स्टडी हार्ड यू, इफ यू विल, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट फर्स्ट, तो इसमें 2 नंबर हो जाएगा। इफ यू स्टडी
इसमें हो जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इधर कौन सा हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट में ये है, तो आपको देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट की क्रिया कौन सी है। आगे देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में आप जानते हैं फिशेस लिव इन वाटर, कहां रहती है लिव इन वाटर, कई कई जगह अंडर वाटर भी करते हैं लेकिन इन वाटर ही होता है। आगे देख लीजिए ए ट्रेन इज पासिंग फॉरेस्ट, पासिंग जहां पे नाम होता है पासिंग में लगभग थ्रू आता है, पासिंग और फॉरेस्ट होता है तो उसमें थ्रू आता है, तो इसमें ये थ्रू हो जाएगा ए ट्रेन इज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। काइंडली रिटर्न दिस बुक ऑन संडे, नहीं होगा 22 संडे हो जाएगा, 22 संडे मतलब तक कि जो कृपया इस पुस्तक को आप संडे तक पहुंचा दीजिए। सम गेस्ट मे कम टूडे 4 एंड 5 क्लॉक, 4 एंड 5 दो है, दो के बीच में यानी 2 और 4 के बीच में, तो इसका मतलब है कि 2 के बीच में बिटवीन आता है भाई, बिफोर बिफोर 4 एंड 2 4 एंड 5 तो मतलब ही नहीं है, बिफोर 4 होता है या बिफोर 5 होता तो इसको फ्रॉम 4 एंड 5 ये भी नहीं हो सकता, आफ्टर भी नहीं हो सकता, तो बिटवीन हो गया, और बिटवीन होता है जैसे जहां पर समय में भी 4 एंड 5 5 एंड 6 जहां कहीं भी, जैसे संडे एंड मंडे जैसे मान लो, तो बिटवीन जो है 2 के बीच में बांटा जाता है, अधिक जो होते हैं उनके लिए अमंग का प्रयोग होता है। जैसे मान लो एक उदाहरण बताऊं आपको, जैसे मान लो प्रश्न है कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम, अगर राम एंड श्याम है बिटवीन हो गया, अगर यहां पर होता चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत ज्यादा होते हैं तो इसलिए यहां पर बिटवीन नहीं आकर के यहां क्या आ जाता अमंग आ जाता, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि माय फादर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, ये हैज बीन और हैव बीन वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जिसमें समय को दर्शाने के लिए सिंस या फोर का प्रयोग होता है, जहां समय निश्चित होता है, जहां पर संधि हुई होती है वहां सिंस का प्रयोग होता है, जहां पे समय नहीं दिया हुआ होता जैसे मान लो यहां पर होता इंग्लिश जैसे मान लो 2 वीक्स अगर होता यहां पर 2 वीक्स तो यहां पर सीधा 4 हो जाता, 4 2 वीक्स, क्योंकि उसमें 2 वीक्स पता नहीं रहता है कौन सा 2 वीक्स है। तो प्रीपोजिशन के 5 सवाल हो गए। इसके बाद आता है एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव के भी 5 सवाल होते हैं। एक्टिव पैसिव में आप जानते हैं एक्टिव पैसिव का पूरा आपको पढ़ाया हुआ है, 2 लेसन 3 लेसन एक्टिव पैसिव के हैं, वो आप उसमें से देख सकते हैं पूरा पढ़ाया हुआ है। इसको आपको पैसिव वॉइस में लिखना है, सी प्रोसेस्ड फ्रूट्स, और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं ऑब्जेक्ट छांटना है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वाई प्लस नाउन या प्रोनाउन, इस प्रकार छांटना होता है। आप जानते हैं पहले ऑब्जेक्ट लेना है, सी परचेज फ्रूट्स, जो फ्रूट में ऑब्जेक्ट हो गया, परचेज जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज वर्ब में बदलेगा और बाय हर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रूट्स वर परचेज्ड बाय हर, इसमें है फ्रूट्स वर परचेज्ड बाय हर, ये देखो 3 नंबर फ्रूट्स वर परचेज्ड बाय हर, ये 3 नंबर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए रविंद्र हैज रिकॉल्ड द पास्ट मेमोरीज, हैज तो हैज को हैज बीन में बदल जाता हैज बीन या हैव बीन में, पास्ट मेमोरीज है इसमें ऑब्जेक्ट हो गया तो पास्ट मेमोरीज तो लेना ही है, द पास्ट मेमोरीज, देखिए द पास्ट मेमोरीज ये तो पहला तो ले लिया, पास्ट मेमोरीज हैव बीन। अब जैसे ये वर वाला दोनों ये कट हो गए तो हैव बीन इनमें से पास्ट मेमोरीज हैव बीन रिकॉल्ड बाय रवीना, इसमें दोनों ही सही हो जाते हैं, ऐसा हालांकि दोनों आते नहीं है, इसमें जैसे मान लो मिसप्रिंट हो गया है तो इसमें दोनों ही सही है। आगे देखिए ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, अगर मान लो यहां पर क्रिया से कोई शुरू होता है वाक्य, क्रिया से कोई शुरू होता है तो वो लेट से बनता है। अब इसमें जैसे मान लो लेट से केवल एक ही वाक्य देखिए, लेट ए ग्लास ऑफ, उसका सूत्र क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, तो सीधा हो जाएगा लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट हो जाएगा। वैसे ये आपको पूरी बताई हुई है, प्लीज हेल्प योर सिस्टर, प्लीज जहां पर होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड नाम लिखा जाता है, पहले प्लीज से शुरू होता है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड, यहां से प्लीज हट जाता है, फिर टू हेल्प योर सिस्टर, तो ये है ना यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प योर सिस्टर, इसमें 2 नंबर उत्तर हो जाता है, बहुत सरल आता है, थोड़ा देखिएगा इसको ध्यान से,
हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच, हु जो है वो बाई हुम से शुरू होता है, किसे होता है, बाई हुम से, दो तरह से बनता है, एक तो हु बाई बाद में लगता है और एक बाई हुम से शुरू होता है। तो बाई हुम से देखिए इसमें जैसे ये तो बाई हुम से शुरू नहीं है तो इसमें होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, बाई हुम से ये दो वाक्य शुरू है, बाई हुम माई वॉच हैज बीन स्टोलन, जैसे ये डिड वाला है और डिड हो जाता है वो किसमें चेंज होता है, वाज वर्ब में चेंज होता है, तो इसमें हैज बीन है तो इसमें गलत है, तो वाज हो गया अपना आप ही, बाई हुम माई वॉच वाज स्टोलन, तो ये हो गया ये अपना आप ही, यानी 3 नंबर। अगला देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपन ने पढ़ा है, राहुल सेड अलास सी इज नो मोर, और ये कौन सा वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, यदि दुख होता है तब तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो होता है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और यदि दुख सुख होता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय होता है, अगर कहीं पर सरप्राइज होता है तो वहां पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज होता है, तो यहां पर अल्लास, अल्लास का मतलब होता है दुख, और दुख अल्लास जहां पे होगा तो वहां पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो से यही प्रश्न शुरू है, राहुल एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी वाज नो मोर, यानी उसने दुख व्यक्त किया कि वो नहीं रहा। पेपर में कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, और भी यदि कोई रह जाए तो आप मुझे बताइएगा, वैसे अभी और भी लेसन चलेंगे इसके। द टीचर सेड टू अस द अर्थ मूव्स राउंड द सन, देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, अब इसको आप ध्यान दीजिएगा, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमें कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये बात सही है कि नहीं है, पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर ही घूमती है, अगर हम इसका टेंस चेंज कर देंगे तो घूमती थी हो जाएगा, तो इसका मतलब गलत है, ये भी ध्यान रखना है। तो जहां पे क्या होता है कि इसको कहते हैं सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रथ कहते हैं, जहां पर यूनिवर्सल ट्रथ होता है वहां पे टेंस नहीं बदलता है, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, ठीक है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये सभी क्या है, ये सभी सभी क्या है, यानी यूनिवर्सल ट्रथ है, तो इसमें चेंज होगा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधा ही हो जाएगा, द टीचर टोल्ड अस दैट, अर्थ मूव कर दिया इसने, इसका मतलब गलत है, और इसने भी मूव कर दिया इसमें गलत है, ये भी है ही नहीं, तो ये देखिए दूसरा, टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, बिल्कुल सही है, ये 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सुदीप आस्ड रागिनी, रागिनी है रजनी है, द सुदीप आस्ड रजनी कैन यू कम विद मी, अब जहां पे कैन वाला होता है तो इफ या वेदर से बनता है, किससे बनता है, इफ या वेदर से, देखिए इफ इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें तो नहीं है तो फिर इसको तो हम हटा देते हैं। अब 3 पर हम कंपटीशन देखते हैं, कैन जो है कुड में बदलता है, अब देखिए इसको कुड में नहीं बदला है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, और इसमें ये पहले से ही गलत है, ये हट गया, अब इसमें देखिए इसके भी नहीं बदला है, इसको कैन को कुड में बदला है तो ये इसका मतलब काफी चांस रहता है कैन कुड में बदलता है, तो ये हो जाएगा ना, सुदीप आस्ट रजनी इफ सी कुड गो विद हिम, हिम हो जाएगा, इसमें आई का भी बदल जाए, आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और ये सुदीप के अनुसार चेंज होगा, फिर जिसमें जैसे आई और आई के रूप जो होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, 1 2 3 बटा सन, 123 बटा सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये होता है, ये मेरा बताया हुआ है पूरा, आप जाकर के देखिएगा, यदि आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा, और मैं इसके यानी जो इस ये जो है इस इसका इस वीडियो का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, उसमें इसके सारे जितने भी वीडियोज हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 19वां प्रश्न था, टीचर सेड टू द स्टूडेंट 2 and 2 make 4, देखिए 2 और 2 4 होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब तो ये सत्य है, सारा वो सत्य हो गया, तो इसका मतलब इसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो make 4 अगर जहां पे है तो यहां पर देखिए made 4 कर दिया, इसका मतलब गलत है, इसमें भी made 4 कर दिया, इसका मतलब गलत है, और ये none of these होना नहीं है, तो सीधा पढ़ा ना, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दे 2 and 2 make 4, तो इसका मतलब 3 नंबर सही है। बहुत ही तकनीकी से यदि आप काम करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। द लिटल बॉय सेड हुर्रा
आई हैव वोन द मैच, हुर्रा होता है इसका मतलब खुशी है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय है, क्या है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय का मतलब यह है, द लिटिल बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वोन द मैच, दैट ही हैड वोन द मैच। आई हैव ही में बदल जाएगा क्योंकि इसमें लिटिल बॉय है तो इसका मतलब ही में बदल जाएगा, का हेड बदल जाएगा, वोन द मैच है ही, बिल्कुल सीधा हो गया, यानी ये 3 नंबर है, इसको आप ध्यान से देखें। अगला है मॉडल, मॉडल के प्रश्न आते हैं आप जानते ही हैं, यू फॉलो माई ऑर्डर्स, कंपल्सन जहां पे होता है, कंपल्सन जहां पे होता है तो वहां क्या होता है कि जैसे हैज हैव, हैज टू हैव टू का प्रयोग होता है, हैज टू हैव टू, केवल कंपल्सन होता तो इसका मतलब ये होता मस्ट, लेकिन एक्सटर्नल जो कंपल्सन है तो इसका मतलब हैज टू हैव टू हो जाता है, तो सीधा पड़ा है यू हैव टू फॉलो माई ऑर्डर्स, मतलब मेरे ऑर्डर्स का पालन आपको करना है। इनवाइटेशन जहां पे होता है तो इनवाइटेशन में हमेशा विल और वुड काम में आता है, क्या काम आता है, विल और वुड काम में आता है, तो ये दो तो अपना आप ही टल गए, यानी अपना आप रह गए। वुड यू लाइक टू कम विद मी, तो जैसे मान लो इसमें ज्यादा जो सॉफ्ट होता है वो वुड का प्रयोग होता है, तो इसलिए आपको ए ही भरना है। अगर आप विल यू लाइक टू कम विद मी, इट इज नॉट रॉन्ग, यानी ये भी गलत नहीं है, बट यू शुड चूज वुड, लेकिन आपको वुड को चूज करना है। वन सर्विस वंस ओल्ड पेरेंट्स, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन जहां पे होता है तो वहां पर आउट टू का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, आउट टू का प्रयोग होता है, तो यहां पे आउट टू हो गया, वन आउट टू सर्व वंस ओल्ड पेरेंट्स, यानी अपने बड़े बूढ़ों का है वो आदर करना चाहिए। अगला प्रश्न है ही स्टडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, श्योरिटी, श्योरिटी जहां पे होती है वहां पे लगभग मे का प्रयोग होता है, ही मे बी स्टडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, तो इसमें जहां पे श्योरिटी होती है या जैसे मान लो पॉसिबिलिटी, जैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तो वहां पर भी मे का प्रयोग होता है, जैसे देर आर क्लाउड्स इन द स्काई इट मे रेन, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल है, इट मे रेन, इसका मतलब बारिश होगी, तो इसका मतलब श्योरिटी जहां पे होती है तो वहां मे का प्रयोग होता है। अब लिव लॉन्ग और इसमें देखिए एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है तो वहां पे मे का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, मे का, तो यहां पर मे हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, और बी उत्तर सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट डिटरमिनर, डिटरमिनर आप जानते ही हैं, जैसे फ्यू ए फ्यू, लिटल ए लिटल, सम मैनी मच, इनका प्रयोग होता है। अब देखिए इज देयर साल्ट इन द शू, साल्ट, साल्ट के लिए हमेशा आप जानते हैं साल्ट को गिना नहीं जाता, यानी काउंटेबल नाउन होती है, वहां पर फ्यू ए फ्यू का प्रयोग होता है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, मैनी भी काउंटेबल नाउन में होता है तो इसमें मच हो जाता है अपना आप, इज देयर मच साल्ट, क्या हो जाएगा, मच साल्ट इन द शू, माई फ्रेंड्स हैवंट सेंट मी प्रेजेंट, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड हैवंट सेंट मी एनी प्रेजेंट, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम और एनी कहाँ है, सम फ्यू, एनी सम नहीं, सम और एनी इसमें 4 नंबर पे रहेगी, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, यहां पर सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैवंट, जहां पर नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है, वहां पर लगभग एनी का प्रयोग होता है। जैसे मान लो अगर प्रश्न होता कि हैव यू एनी बुक इन योर बैग, अगर मान लो हैव यू एनी बुक, हैव यू सम बुक नहीं होगा, हैव यू एनी बुक इन योर बैग, तो यहां पर आई हैवंट एनी बुक इन माई बैग, ऐसा भी आप कह सकते हैं, तो सम और एनी इसमें हो जाता है। अगला देखिए, द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम विल टेक सम मंथ्स, क्या हो जाएगा, सम मंथ हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, इसमें जो अंग्रेजों से संबंधित है तो द इंग्लिश हो जाएगा इसमें, एन इंग्लिश या ये नहीं होगा, द इंग्लिश हो जाएगा। ही डज नॉट हैव एनी मनी, यानी उसके पास कोई पैसे नहीं है, He does not have any money. अगर मान लो यहां पर does not नहीं होकर का, अगर ये होता he has होता यहां पर, he has, तो यहां पर little money होता, he has little money, yes. अगर मान लो आप कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आपको यही कहना होगा I have little money, यानी मेरे पास पैसे नहीं है। एक आता है प्रश्न आपके sentence errors का, तो इनमें कौन सी जगह error है,
यस्टरडे आई मेट ए मैन हु वॉज ब्लाइंड विथ द राइट आई. विथ द राइट आई नहीं होता, इन द राइट आई होता है, इन राइट आई, है ना, विथ का प्रयोग नहीं होता. तो इसका मतलब इसमें कहां पे है, दो नंबर में, दो नंबर में हुआ. द ऑफिसर हैज गिवन ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे. हैज गिवन, देखिए, हैज गिवन ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे. तो इसमें आपके लिए क्या चेंज करना है, तो इसमें आपके लिए यस्टरडे नहीं आएगा, है ना. इसका मतलब है कि इसमें भी दो नंबर जो है वो चेंज हो जाता है एक नंबर. एक नंबर इसलिए चेंज होता है क्योंकि यस्टरडे है तो फिर हेड का प्रयोग होता है. यहां पर क्या होता, हेड का, तो एक नंबर में गलती है, यहां पर हेड आना चाहिए. द ऑफिसर हैड गिवन ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे. तो इसमें दो नंबर में गलती है, तो इसमें दो नंबर बी में है तो बी हो जाएगा. इसमें एक नंबर, सॉरी, एक नंबर में ए है, सॉरी, एक नंबर में ए है तो ए हो जाएगा. द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग फिगर्स ऑफ डैमेज टू गेट एडिशनल कंपनसेशन हैज बिगन. देखिए, एज के बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, बिगिन, बिगन, बिगन होता है, क्या होता है, बिगन होता है. तो तीन नंबर में गलत है, ये तीन नंबर सी उसमें सही हो जाता है. पूरी चीज देखनी है. वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट, फॉर हिज नहीं होता, ऑन हिज होता है, ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस. तो इसका मतलब है कि कहां गलती हुई, यानी दो नंबर में, और इसमें बी उत्तर हो जाता है. अगला देखिए, इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड ए हाउस. देखो, यू विल फाउंड नहीं होता, यू विल फाइंड हो गया, तो यही गलत हो गया. यानी जिसमें, इसमें किसमें गलत हो गया, एक नंबर, यानी इसमें ए में गलत, ए तो ये ए का पार्ट ये है, ये बी में, तो बी पार्ट में गलत हो गया, बी में हो गया, तो बी उसका उत्तर हो जाता है. अगला प्रश्न है, अगला आपके जैसे ट्रांसलेशन का आता है भाई, इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है, तो जिसके लिए मैंने वो नहीं रखे हैं, क्या, यानी जो अभिशब्द नहीं रखे हैं, सीधे ही बताया कि आप कैसे, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्ले चेस डेली. बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले, प्ले हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. जब मैं वहां गया, वह सो रही थी, जब, जब का मतलब वेन, वेन का अर्थ कब और जब दोनों होता है, कब भी होता है, जब भी होता है. वेन के बाद में यदि साइकिल आ जाती है तो इसका अर्थ कब हो जाता है, वेन के बाद में कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो क्या हो जाता है, कोई नाउन प्रोनाउन आ जाता है या नाउन आ जाता है तो इसका अर्थ जब हो जाता है. जब मैं, वेन आई, मैं वहां गया, वेंट, क्योंकि ये जब मैं वहां गया, वेन आई वेंट देयर, वह सो रही थी, शी वाज स्लीपिंग. When I went there, she was sleeping. तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, डब्ल्यू एच वर्ड का है, तो हु का मतलब कौन हो गया, हु पढ़ाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, या अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, हु डज टीचेज, हु डज टीच यू इंग्लिश हो जाता. अगर हु डज डज लगाते हो तो फिर टीच कर देना, अगर डज नहीं लगाते हो तो भी आप हु टीचेज यू इंग्लिश भी आप इसको लिख सकते हैं. मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट में मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो इसका मतलब पहले काम कौन सा हुआ है उसको पहले लिखना, गाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन, गाड़ी का मतलब ट्रेन, द ट्रेन हैज रवाना हो चुकी थी, जा चुकी थी, डिपार्टेड, बिफोर आई रिस्ट द ट्रेन हैज डिपार्टेड बिफोर आई रिस्ट. मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, रवाना हो चुकी थी, या द ट्रेन हैज मिस्ड आप लिख सकते हैं, बिफोर आई रिस्ट. यदि तुम यहां आओगे हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये देखिए कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस. इफ कंडीशन में आप जानते हैं, जैसे मान लो एक
वहां के प्रेजेंट इंडेफिनिट का और एक ही फ्यूचर है। अगर फ्यूचर का है तो आपको दूसरा बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इफ यू विल कम हियर, अगर आप यहां आएंगे, कम हियर, हम तुम्हारी मदद करेंगे, वी हेल्प यू, वी हेल्प यू, इस प्रकार हो जाएगा, हम आपकी मदद करेंगे। अगला वाक्य है, देखिए इसको हिंदी में लिखना है, नाइदर यू नॉर मोहन विल गो टू मार्केट, न तो आप और न ही मोहन बाजार जाएगा, बाजार यानी ना तो आपको जाना है और ना ही मोहन को। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज बिकम ए डॉक्टर, मेरा एक मित्र डॉक्टर है, सीधा सीधी सी बात है, मेरा एक मित्र डॉक्टर है। मीना इज अबाउट टू कम हियर, अबाउट टू कम हियर, मीना यहां आने वाली ही है, जैसे आप कहेंगे कि मैं वहां पहुंचने वाला ही हूं, आई एम अबाउट टू रीच देयर, मैं वहां पहुंचने वाला ही हूं, मीना इज अबाउट टू कम हियर, मीना यहां पहुंचने वाली है। व्हाई डिड रेखा नोट अटेंड द एनुअल फंक्शन, व्हाई डिड रेखा नोट, डिड का मतलब पास्ट वाला है, रेखा ने वार्षिक उत्सव जो है अटेंड क्यों नहीं किया, वार्षिक उत्सव में शरीक क्यों नहीं हुई, रेखा वार्षिक उत्सव में शरीक क्यों नहीं हुई। द स्टूडेंट्स हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर 10 o'clock, विद्यार्थी 10 बजे से पहले विद्यालय पहुंच चुके थे, स्टूडेंट्स हैड रीच्ड, पहुंच चुके थे, बिफोर 10 o'clock, 10 बजे से पहले विद्यालय पहुंच चुके थे। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि हिंदी ट्रांसलेशन, ये वर्ब है, वर्ड है इनका, एक्शन, एक्शन का मतलब कार्यवाही, एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्यवाही, और आर्बिट्रेशन का मतलब होता है पंच फैसला, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डीड का मतलब होता है पट्टा या विलेख, और गजट का मतलब होता है राजपत्र, राजपत्र। मैनिफेस्टो का अर्थ होता है घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। तो इनको आप जरूर ध्यान से देखें, वैसे आपके जो ये हैं वो पहले बताए हुए हैं मेरे, क्या यानी पारिभाषिक शब्द है वो मुख्य मुख्य जो है लगभग 30 शब्द है, उनका एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो उनको आप जरूर देखें। उम्मीद करता हूं ये 50 प्रश्न आप अच्छी तरह से सीख गए हैं, और इसी तरह के एक दो वीडियो और देख लेना, जिससे क्या है कि आपके अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इन 25-26 मिनट में आपने बहुत कुछ सीखा है, कितना सीखा है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।